बहुत दिनों के बाद हम लोग बाहर जा रहे ना, जन्नत की सैर करने वाले हैं। अरे इतना से याद है यार, तेरे को कॉलेज की टीना याद है? याद है ना, बड़े स्वभाव वाली। अरे क्या स्वभाव था ना उसका यार, अपना कोर्नर सही था ना, स्वभाव तेरा स्वभाव बहुत बढ़िया है। तेरा स्वभाव फिलहाल बदल चुका है, स्वभाव बदल चुका है। आ गया फोन जन्नत से। हेलो, कहाँ पे हो तुम दोनों? हाँ बस डार्लिंग 10-15 मिनट में पहुँच रहे, तुम बस रेडी रहना। अरे यार कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अब तो इंतजार नहीं होता मेरी जान। एक मिनट। हेलो हेलो हेलो। हाँ हाँ सुनना, अरे तेरे साथ वो तेरी फ्रेंड आने वाली थी, वो आ रही है ना? हाँ मतलब आनी चाहिए, वरना हम दोनों को तो 1/2 खाने की आदत ही है। मतलब हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, प्रॉब्लम तुम्हें होगा क्योंकि तुम्हें हजम नहीं होगा वो। तो पेमेंट का? आज रात तुम दोनों ने हमको खुश किया ना, तो हम लोग डबल पेमेंट लेंगे। डबल पेमेंट करेंगे ना? हाँ डबल पेमेंट कर देंगे। तो गेट रेडी एंड लेट्स गो बेबी। ओ दूसरी वाली आने वाली ना, उसका भी स्वभाव बड़ा होना मांगता है। दूसरी वाली मेरी। कभी ने साला स्वभाव के हिसाब से डिसाइड करेगा कि कौन सी वाली तेरी। कॉलेज से देखो, कोई भी तेरी गर्लफ्रेंड हो उसके स्वभाव बहुत बड़े रहते हैं। अच्छा सोच, तेरी शादी हो गई और शादी के रात तुम्हें पता चल गया कि तेरे वाइफ को स्वभाव ही नहीं है। गैरेज भी कहाँ ढूंढेंगे, देखते आगे कुछ कुछ बंगलों बंगलों में कुछ सहारा मिल गया था यार। अपना प्लान तो रह गया, हर जगह पे अंधेरा है, एक भी घर पे लाइट नहीं। कहाँ जाएंगे? देखते हैं यार, वहाँ कुछ रोशनी सा दिखाई दे रहे थे। हाँ वहाँ पे। हाँ मेरे गर्दन में थोड़ा दर्द हो रहा है। वो लड़कियाँ वेट कर रही होगी अपनी। मैं छोड़ लड़की को, मजा करने आए थे, सारा मजा किरकिरा हो गया यार। ये देखिए बंगलों में लाइट दिख रही है, कुछ ना कुछ होगा यहाँ पे। आजा भाई, करता यहाँ सारा मांगते यार। यस कौन चाहिए आपको?
अच्छे दिखते ना दोनों? हाँ मतलब ठीक ठाक ही दिखते हैं। देखा नहीं हम दोनों को देख के कैसे लार टपका रहे थे? लार नहीं टपका रहे थे, कुत्तों की तरह दुम हिला रहे थे। बट अच्छे हैं बेचारे। हाँ अभी तक तो अच्छे ही है, पर पता नहीं क्यों मुझे ना उन दोनों पर डाउट हो रहा है। क्या मतलब? अगर उन दोनों के कार का एक्सीडेंट हुआ है तो उन दोनों को चोट कैसे नहीं लगी? हाँ यार अब तो मुझे भी शक हो रहा है, कहीं हमारे साथ कुछ बुरा ना हो जाए। पागल हो तुम, कुछ भी बोलती हो, हमारे साथ कभी कोई बुरा कर सकता है क्या? वैसे अब तो उन बेचारों के साथ बुरा होगा। क्यों भाई विक्की, तू भी वही सोच रहा है जो मैं सोच रहा हूँ? ऑफ कोर्स, दो हरामे बिल्कुल एक जैसा सोचते हैं। पर एक बात बता, उन दोनों का क्या होगा? उन दोनों को छोड़ यार, जरा इन दोनों को देख, दोनों का स्वभाव। हाँ यार क्या स्वभाव है उन लोगों का क्या? और वैसे भी वो दोनों कॉल कर रहे, सेकंड हैंड मान, और ये दोनों फ्रेश दूध की मलाई। बात तो तेरी बिल्कुल सही है यार, और जब सामने 56 भोगो तो वो बासी बिरयानी क्यों खाए हैं? वाह। पर ये पहली वाली तेरी, यस, और दूसरी वाली तेरी। डन डन। सच में बहुत बहुत हॉट है। व्हाट्स योर गुड नेम? प्रीति। पूजा, आप लोग कॉफी पीजिए, हम दोनों फ्रेश होकर आते हैं। फ्रेश होना बहुत जरूरी है। हम भी फ्रेश होने चलते हैं जी, कॉफी फिर कभी पी लेंगे। आई चलो। कितना मजा आता होगा ना सच में। ए विक्की,
तो अपनी लॉटरी लग गई। हाँ। अबे लॉटरी नहीं, जैकपॉट बोल जैकपॉट। अरे क्या लगती है दोनों मस्का? दोनों नहीं, मेरी वाली। क्यों तू तो तेरे वाली क्यों, मेरी वाली क्यों नहीं? मेरी वाली का स्वभाव तेरी वाली से ज्यादा अच्छा है। वाह, मेरा ध्यान तो उसके चेहरे से ज्यादा उसके स्वभाव पे था। पता है भाई, तुझे बड़े बड़े स्वभाव अच्छे लगते हैं, मगर मेरी वाली का पार्किंग जोन देखा क्या? साला देखते ही गाड़ी पार्क करने का दिल करता है। नॉटी हो रहा है तू। चल चल, टाइम पास बहुत हो गया। मैं फटाफट फ्रेश होता हूँ और सुहागरात मनाता हूँ। एक मिनट, सबसे पहले फ्रेश होने मैं जाऊंगा। नहीं नहीं, रुक रुक, पहले तू क्यों जाएगा? पहले तू क्यों जाएगा बता ना, हमेशा पहले तू जाता है। इस बार मुझे जान देना, हमेशा पहले तू जाता है ना। सैम, आज मैंने अपनी लकी शर्ट पहनी, मुझे जाने दे। आज मैंने अपनी लकी अंडरवेयर पहनी है, तो पहले मैं जाएगा। अरे लकी अंडरवेयर वैसे उतार नहीं तो है। कोई बात नहीं, पहले तू जा, बाद में मैं। सब्र का फल बड़ा बड़ा मीठा होता है। इसका भी स्वभाव काफी अच्छा है। वो खिलौना अपने आप बज रहा था। वो हाँ। वो तो कब का खराब हो चुका है। हाँ। यूं ही कभी भी बजता रहता है। क्या हुआ, डर गए क्या? हाँ। मैं नहीं डरता, मैं नहीं डरता किसी से, और ये झुमेरे से। नहीं नहीं, मैं नहीं डरा। वैसे तुम्हारा दोस्त का है ना? ना। चलो फिर मुझे भी देखना है कौन है अंदर। कौन है यहाँ, दिखाओ मुझे। ये साला तुम्हें ना कुत्ता शोर। साला ऑन उधर, ऑन उधर, ऑन उधर, ऑन उधर। अरे फट गई मेरी। ओ गॉड, ये शोर ना, वैसे क्या है ना, बहुत दिनों से ना इसकी सर्विसिंग नहीं हुई है, इसलिए शायद खराब हो गया है। कोई नहीं, तुम नहा लो जल्दी से और नीचे आ जाओ। वो क्या है ना, हमें अपना काम भी तो करना है। क्या? कुछ नहीं, तुम नीचे आ जाना, धीरे धीरे सब पता लग जाएगा। सुना, धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। अबे कमीने, क्या पता चल जाएगा? पटरी है मेरी।
अकेली रहते हो यहाँ? हाँ बस हम दोनों और हम दोनों की तन्हाई, बस उसके अलावा कोई नहीं रहता यहाँ। मगर तुम दोनों इस वीरान सुनसान जगह पर अकेले, तुम दोनों को डर नहीं लगता? डर? और हमें, हमें किस बात का डर? हाँ लोगों को हमसे डर लगता है, ये बात अलग है। क्या? कुछ नहीं, आप लोग कुछ बताइए अपने बारे में। अब हम दोनों अपने मुंह से अपनी तारीफ क्या करें, मगर अगर आपको पता नहीं है तो बताना तो पड़ेगा ही ना। तो बेसिकली मायसेल्फ सैम, मुंबई के एक बहुत बड़े 7-स्टार होटल में मैं सीनियर शेफ का काम करता हूँ। मायसेल्फ विक्की, हस्ते रेखाएं देखता हूँ, सामने वाले का हाथ देखे बता सकता हूँ उसकी हिस्ट्री और ज्योग्राफी। वाओ जीनियस। वैसे आप लोग खाओगे क्या, वेज या नॉन वेज? आप जो भी खिलाएंगे ना हम दोनों आग बन करके खा लेंगे। हाँ मगर खाना खाने के बाद हम दोनों को स्वीट डिश खाने की आदत है, तो वो अपने हाथों से खिला देना। जी क्या है ना, आपको आपका मनचाहा खाना तो मिलेगा ही और स्वीट डिश भी, वैसे भी आप दोनों की आखिरी रात है। क्या?